मंदिर के पुजारी और लड़की के नज़दीकी रिश्तेदार वालों नाबालक नाल पिछले एक साल तो दुष्कर्म किया जा रहा है। इस दोष हेठ पुलिस वालों दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके बनती कार्रवाई की जा रही है। देखते हो पूरा मामला पीबीसी न्यूज़ के चंडीगढ़ तो रिपोर्टर रमेश कुमार के नाल। सिटी पुलिस खरड़ ने नाबालक नाल जबर जनाह करन दे दोष हेठ दो लड़कियां नू काबू करन विच वड्डी सफलता हासिल की है। ये दोवें लड़के पिछले एक साल तो लगातार लड़की नाल बलात्कार कर रहे सन। इस गल का खुलासा उदो होया जो एक दिन लड़की दे पेट विच दर्द होने कारण उसके परिवारिक मैंबरां वल्लों लड़की नू हस्पताल विच दाखिल करवाया गया, जिथे पता लगा कि वह गर्भवती है। उस तो बाद उसने एक बच्चे नू भी जन्म दिता, जिसकी कि कुछ समय बाद ही मौत हो गई। पुलिस वालों मुलजमान नू मानयोग अदालत विच पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया। एक खरड़ बडाला रोड एक लड़की सी जी उम्र 16 साल, 4 तरीक प्रॉब्लम आने करके पेट दर्द होने करके उसकी मदर ने ही उन्होंने सिविल हॉस्पिटल मोहाली ट्रीटमेंट लिए दाखिल कराया सी। उत्थे जाके जब कंसर्न्ड डॉक्टर वालों जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया उन्हें दस्या भी ये 6 मंथ तो प्रैगनेंट हैगी है लड़की जी, तो उत्थे उहदी जिहड़ी हैगी है डिलीवरी हो गई सिविल हॉस्पिटल मोहाली। उन्होंने सानू इंटीमेट किया 4 तरीक नूं शाम वेले। उहदे बाद फिर असीं जाके आंढ गुआंढ तो पता किया, 5 मॉर्निंग साडी लेडी महिला सब इंस्पैक्टर करमजीत कौर गई सी ते उह लड़की की स्टेटमेंट लई गई। स्टेटमेंट दे विच उहने लड़की ने दस्या कि इक उहदे गुआंढ दे विच रहिंदा सीगा कोई लड़का, उहदी उम्र सीगी 21-22 साल, एक लड़की की नजदीकी रिश्तेदारी विचों मुंडा सीगा, बहुत नजदीकी रिश्तेदारी चों उहदे नाल पिछले 1.5 साल तो उह शरीरक संबंध बनाते सीगे जी। बना दे लड़की की कंसेंट नाल सी, लेकिन एज पर लॉ जी लड़की की उम्र 16 साल होने करके उहदी कंसेंट जिहड़ी है मैं नहीं रखदा। तो लड़की की स्टेटमेंट ते असीं उह दोनों बंदियां दे खिलाफ FIR दर्ज की 264 नंबर 5-12 376 6 POXO एक्ट 313 ते जिहड़े दोनों ये दोषी सीगे ये पिछले काफी दिनों तो जो उन्होंने पता लग्या भी लड़की ये प्रैगनेंट है देसी दवाइया वगैरा भी उन्होंने दे के कोशिश करते रहे भी ये गर्भपाती हो सके तो वह नहीं हो सकया। तो फिर असी 5-12 नूं ये दोनों दोषी जड़े हैगे आ जो कि बेसिकली यूपी नूं बिलोंग करते हैं, तो यूपी भी भजन की फराक से सीगे, बड़े असी योजनाबद्ध ढंग ने इन्हों काबू कर लिया। दोनों नूं फड़ लिया गया ते जिहड़ी उह न्यू बोर्न बच्चा सीगा 5-7 मिनट बाद एक्सपायर हो गया सी, उहदा वी ते उह लड़की दा वी दोनों दे DNA वास्ते सैंपल लै चुके गए ने। ते कोई इस तों अलावा कोई अपराधिक मामले इन्हां दे हैगे आ पहला कोई चैक कीता इहदा बारे? अजे तक प्रीवियस रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा इह बदयाऊं डिस्ट्रिक्ट पैंदा यूपी च जी, ते उत्थों असीं कॉन्टैक्ट करके मंगा रहे जी, उत्थों पता लगूगा। ते साडे कोल जी इहनां दा फस्ट मामला इही हैगा, बाकी असीं कंसर्न दा जिहड़ा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हैगे आ उत्थों कॉल कर रहे सी। पीबीसी न्यूज जिहड़े देख रहे दर्शक है उन्हां नूं तुहाडे वल्लों सुरक्षा दे मद्देनजर की मैसेज होएगा? इहदे बारे मैं तां इही बेनती करदा जिहड़े आम समाज नूं जां शहर वासियां नूं जिहड़ा इह अपने बच्चां दी एक्टिविटी ते निगाह रखण, ते जे कोई गैर बंदा हैगा जां बच्चा किथे जांदा किथे आंदा इस स्टेज ते मां बाप नूं बहुत केयर रखण दी लोड़ है। जे हुण 6 महीने दी प्रैगनेंट सीगी मां बाप नूं जरूर इहदे बारे पहलां जानकारी मिल सकती है, बच्ची की जान नूं भी खतरा हो सकता सीगा इस स्टेज ते इह घटना वापरी है, ते अपने बच्चों का खुद मां बाप उनकी एक्टिविटी का किथे जाते हैं किथे आते हैं खुद इस बारे सोचना चाहिए। जिदा कि तुसीं देख रहे सी 16 साल की मासूम बच्ची के नाल बलात्कार का मामला सामने आया, पुलिस ने दोषियों 24 घंटे तो पहला गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। हुण वेखण वाली गल है पुलिस रिमांड के बीच पुलिस की फंसकरावा करती है। कैमरामैन रवि रमेश कुमार, पीबीसी न्यूज़ खरड़ मोहाली।